नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की यह एक श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे यह कौन सा स्मारक सिक्का है, यह सिक्का कब बना था, कौन सी टकसाल में बना था, ऐसे कितने कितने सिक्के बने थे और सबसे बड़ी बात, इस सिक्के की आज बाजार में क्या कीमत है। तो आइए देखते हैं आज के इस सिक्के के बारे में। चौंतीसवें प्रकार का यह स्मारक सिक्का सन 2010 में बना था। इस सिक्के की विषय वस्तु थी रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म जयंती। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जन्म जयंती उनकी 2011 में थी, लेकिन यह सिक्का एक साल पहले 2010 में ही जारी किया गया। हालांकि इस सिक्के पर वर्ष 1861 से 2011 लिखा है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि इसे 2011 में बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सिक्का 2010 में बना था और इस सिक्के को 9 मई 2010 को तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी ने दिल्ली में जारी किया था। आइए अब देखते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। यह सिक्के निकल ब्रास प्रकार की धातु के बने हैं। इन सिक्कों का वजन होता है 6 ग्राम। इन सिक्कों का डायामीटर व्यास होता है 23 मिलीमीटर और यह सिक्के 2 मिलीमीटर मोटे होते हैं। सिक्कों में दो बाजू होती हैं, फ्रंट एंड बैक, अगली बाजू और पिछली बाजू, लेकिन तीसरी बाजू भी होती है जिसे धार कहते हैं। इन सिक्कों में जो यह तीसरी बाजू धार होती है उसे एज कहते हैं और वह मिल्ड या रीडेड प्रकार की एज होती है जिसके ऊपर 100 दांते बने होते हैं। यह स्मारक सिक्का भारत की 4 मिंट में बना था। यह 4 टकसाल है, मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। डायमंड मिंट मार्क वाले यह सिक्के मुंबई मिंट में बने थे। मुंबई मिंट में इन सिक्कों का टोटल मिंटेज था 1,03,62,500 सिक्के। और हाँ, एक बात और गौर फरमाइए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डायमंड मिंट मार्क है वह वर्ष के आंकड़ों के ऊपर या नीचे ना होते हुए उनकी राइट साइड में दाहिनी ओर है। यह एक नई जगह है जहाँ पर यह डायमंड मिंट मार्क बनाया गया है। मुंबई मिंट के डायमंड मिंट मार्क वाले यह सिक्के काफ़ी कॉमन होते हैं। यह सिक्के आपको बाजार में ऐसे ही 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे, लेकिन यह सिक्के अगर यूएनसी ग्रेड में हो तो इनकी कीमत हो सकती है 25 रुपयों तक। इसलिए इन सारे सिक्कों की कीमत है 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक। दूसरे मिंट जहां पर यह सिक्के बने हैं वह है कोलकाता मिंट। कोलकाता मिंट का कोई मिंट मार्क नहीं होता है, इसलिए आपको यहां पर कोई मिंट मार्क ऊपर नीचे दाहिने बाईने कहीं देखने नहीं मिलेगा। कोलकाता मिंट के इन सिक्कों का टोटल मिंटेज था 2,11,10,000 सिक्के। कोलकाता मिंट के या मिंट मार्क बगैर के सिक्कों में कई वैरायटीज आती हैं। इनमें सबसे पहली जो वैरायटी होती है वह डाई वैरायटी होती है, जहां पर ऑब्वर्स में जो लायन पिलर होता है वह किसी और डाई का होता है। यह एक वैरायटी हुई। इसके साथ कुछ म्यूल सिक्के भी होते हैं जहां पर ऑब्वर्स में 5 रुपये का डिनोमिनेशन वैल्यू लिखा हुआ ही नहीं होता है। यह म्यूल सिक्के जो रेगुलर सिक्के होते हैं, डेफिनेटिव सिक्के होते हैं, उन सिक्कों की डाई से बने हुए होते हैं, इसलिए इन म्यूल सिक्कों पर आपको कभी भी वैल्यू नहीं दिखेगी। इस तरह के म्यूल सिक्के काफ़ी रेयर होते हैं और महंगे भी होते हैं, लेकिन इस तरह के म्यूल सिक्कों की बात हम फिर कभी करेंगे। कोलकाता मिंट के जो सामान्य प्रकार के या टैगोर के सिक्के जो आते हैं वह काफ़ी कॉमन होते हैं। बाजार में आपको यूं ही 5 रुपयों में ही ये सिक्के मिल जाएंगे, लेकिन यह सिक्के अगर
यूएनसी ग्रेड में हो तो इसके आपको 25 रुपये तक देने पड़ते हैं। इसलिए इन सिक्कों की कीमत होती है 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक। मुंबई, कोलकाता और उसके बाद तीसरी मिंट है जहां पर ये सिक्के बने थे, वह है हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का स्टार मिंट मार्क आपको यहां वर्ष के आंकड़ों के राइट साइड में दिखेगा। इस तरह के हैदराबाद मिंट में सिक्के बने थे 1,57,500 सिक्के। कोलकाता मिंट के सिक्कों की तरह इन हैदराबाद मिंट के सिक्कों में भी लायन वैरायटी में काफ़ी डाई वैरायटीज आती हैं। इसके साथ एक और वैरायटी भी आती है इनकी एजिस के अंदर। सामान्यतः यह मिल्ड प्रकार के एजिस होती हैं, लेकिन कई सिक्के ऐसे भी आते हैं जिनमें यह प्लेन या एकदम सीधी एज होती है। इस तरह के प्लेन एज वाले सिक्के काफ़ी कम मिलते हैं। हैदराबाद मिंट के सिक्के भी काफ़ी कॉमन होते हैं। यह सिक्के आपको बाज़ार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे, लेकिन यह सिक्के अगर यूएनसी ग्रेड के हों तो इसके आपको 25 रुपयों तक भी मिल सकते हैं। लेकिन याद रहे, यह सिक्के महंगे नहीं होते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और उसके बाद चौथी और आखिरी मिंट है जहां यह सिक्के बने थे, वह है नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का डॉट मिंट मार्क यहां पर आपको वर्ष के आंकड़ों के दाहिने ओर दिखेगा। इस तरह के नोएडा मिंट में टोटल सिक्के बने थे 1,18,52,500 सिक्के। नोएडा मिंट के सिक्के भी काफ़ी कॉमन होते हैं। यह सिक्के आपको बाज़ार में यूं ही 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे, लेकिन यह सिक्के अगर यूएनसी कंडीशन के हों तो इसके लिए आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह के यूएनसी ग्रेड के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन इन सिक्कों की 25 रुपयों से ज़्यादा कीमत कभी नहीं होती है। अगर दोस्तों इन सिक्कों के बदले में आपको कोई लाखों रुपए ऑफर करे तो आप समझ जाइएगा, यह एक स्कैम है जहां पर लाखों रुपए बताकर आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो इस तरह के स्कैम में आप मत पड़िएगा और इन सिक्कों की सही कीमत आपको सिर्फ यहां पर कॉइन स्टार्स में ही देखने मिलेगी। दोस्तों तो यह थे 34वें प्रकार के रविंद्रनाथ टैगोर के स्मारक सिक्के। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे इस सिक्के के बारे में। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्लेटिनम जुबली का 5 रुपए का कॉमेमोरेटिव सिक्का। आइए देखते हैं आने वाले इस एपिसोड में यह सिक्के कौन से हैं, कहां बने थे, कितने बने थे और उनकी आज क्या कीमत होती है। 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स बनाए हैं। अगर इन सारे सिक्कों की जानकारी आप चाहें तो हमारे यह पहले वाले एपिसोड्स एक बार जरूर देखिए। हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं वह सारी जानकारी आपको यहाँ इन एपिसोड्स में मिल जाए। अगर आपने कॉइन स्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।